हेलो मित्रों, दोस्तों और माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखो क्या दे रखा है। आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का सम है, उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ये हमसे कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ का मतलब क्या है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ का मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर मान लो सी है, तो मैंने आपको बताया था, आप लोगों को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास में मैंने बताया था कि किसी वेक्टर को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, उसमें यूनिट्स में मेजर करते हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट। तो ये वेक्टर सी है, तो इसके एक यूनिट को क्या कहेंगे, सी कैप कहेंगे। कैसे मेजर करते हैं, सी कैप से मेजर करते हैं। अगर ये सी वेक्टर है तो उसे एक यूनिट को सी कैप कहते हैं, ठीक है। तो सी कैप का यहाँ पे मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, और ये वेक्टर जो सी कैप होता है किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में इस वेक्टर सी की जो डायरेक्शन होती वही इस सी कैप की डायरेक्शन होती। तो हमसे कह रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, उसी वेक्टर के इन दोनों के सम का जो वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यानी कि मुझसे सी कैप पूछ रहा है, अगर ये वेक्टर सम आपका सी कैप है तो वो सी कैप पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले सी ए प्लस बी दोनों का सम कर लेंगे। ए वेक्टर मेरे पास ये है, बी वेक्टर मेरे पास ये है, दोनों का हमने सम कर लिया। सम कितना है, टू आई प्लस जे प्लस के सम, तो आपको पता है आई कंपोनेंट, आई कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, जे कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, के कंपोनेंट, के कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। अब a प्लस बी मेरा सम आ गया, ये इसको हम c वेक्टर कह देंगे। अब इसका कैप निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। c कैप आपको पता है क्या होता है, वेक्टर c अपॉन मॉडुलस ऑफ c। तो वेक्टर c आपके पास ये है, मॉडुलस ऑफ c हमने यहाँ पर निकाल लिया वेक्टर का। हमारे पास वेक्टर क्या है, टू आई प्लस जे प्लस के, इनके आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर ही मॉडुलस होता है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर रूट, आई का कंपोनेंट टू, टू का स्क्वायर फोर, जे का कंपोनेंट वन, वन का स्क्वायर वन, यहाँ पे टू का, के का कंपोनेंट टू, टू का स्क्वायर फोर, एड किया फोर, फोर एट वन नाइन, नाइन का रूट ले लिया थ्री हो गया। तो मॉडुलस ए की वैल्यू थ्री आ गई, वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस सी। तो यहाँ पे सी, सॉरी ये सी होगा यहाँ पे, तो सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, इनको अलग अलग कर दिया, तो टू अपॉन थ्री आई, वन अपॉन थ्री जे और टू अपॉन थ्री के, ये मेरा वेक्टर सी आ गया। यानी कि जो वेक्टर सम हमसे पूछ रहा था, ए प्लस बी का सम का यूनिट वेक्टर पूछ रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ सम के में, तो ये मेरे पास आंसर हो गया।